अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू आर ऑल गुड। आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू टॉपिक जो है लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स को समझना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे किसी छोटे बच्चे के लिए खिलौना इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह आपके लिए जो है लर्नर के लिए, रिसर्चर के लिए और इंग्लिश स्कॉलर के लिए इसको समझना ज़रूरी है। सो गाइज, आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद भोला में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको फुली थॉरली अंडरस्टैंड कर सके। सो लेट स्टार्ट द वीडियो ऑफ टुडे। तो जी गाइस, लिटरेरी मूवमेंट्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो लिटरेरी मूवमेंट्स में शामिल हैं। फर्स्ट वन इज रियलिज्म, सेकंड वन इज नेचुरलिज्म, थर्ड वन इज लिटरेचर ऑफ डिसकंटेंट, फोर्थ वन इज रीजनलिज्म। तो जी गाइस, आज की हम अपनी इस वीडियो में रियलिज्म को डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्यों वजूद में आई, इसकी वजह क्या थी बनने की, इसकी जो फंडामेंटल जो हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो हमारे साथ समझने के लिए इस पे तवज्जो बेहद ज़रूरी है। तो आइए गाइस जो है इसको खुली समझने की कोशिश करते हैं। तो जी गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं कि रियलिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके मीनिंग क्या है। रियलिज्म इज कंसिडर्ड द मोस्ट डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले हमें पता चलता है कि ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में एक प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, नज़रिया है, लिटरेरी मूवमेंट है। इसकी डेफिनेशन जे एस रॉस ने की है जो कि कुछ इस तरह है। द डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म asserts that there is a real world of things behind and corresponding to the objects of our perception। हमारे समझने के पीछे भी एक दुनिया है, जो हमें आउटर वर्ल्ड नज़र आता है, कुछ इनर वर्ल्ड भी होता है जो जिसको हम रियलिज्म का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू बटर, रियलिज्म इज द री इन्फोर्समेंट ऑफ अवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट अपीयर टू अस। हमारी एक्सेप्टेंस जो दुनिया के बारे में है, जो हमें अपीयर होती है, इसके मुतल्लक जो है वो रियलिज्म है। ये कहते हैं बटर, ये भी एक फिलोसोफर हैं। रियलिज्म इज डेवलप बाय टू वर्ड्स दैट रेस एंड इज़म। के रियल जो रियलिज्म है, ये कौन से जो वर्ड हैं उनसे इसका आगाज़ हुआ या ये क्रिएट हुआ, तो जी वो है रेस एंड इज़म। रेस इज डोनेटेड बाय ग्रीक, रेस निकला है ग्रीक से एंड डेवलप्ड बाय रियल, और डेवलप हुआ रियल से। रेस मींस ऑब्जेक्ट एंड इज़म मींस रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक चीज़, रेस का मतलब है, और इज़म का मतलब है रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ रियल। ये कहा जाता है, इस बात का यकीन रखा जाता है कि जो दुनिया है वो रियल है, सब्सटेंशियल एंड मटीरियल एंटिटी से बनी हुई है। तो जी ये हमने देखा कि रियलिज्म क्या है, सबसे पहले हमने ये स्लाइड में जी जो आगे देखते हैं। व्हाई डिड दिस लिटरेरी मूवमेंट कम अबाउट। तो जी गाइस, ये लिटरेरी मूवमेंट क्यों वजूद में आई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, किन रीजंस की वजह से इसको शुरू करने की ज़रूरत पड़ी, तो आइए ज़रा मिलके इसको देख लेते हैं। पहली चीज़, ए रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। हमें पहली लाइन में ही ये पता चल रहा है कि ये एक रिएक्शन था किसके अगेंस्ट, रोमांटिसिज्म के। रोमांटिसिज्म भी एक लिटरेरी मूवमेंट है। रिजेक्टेड हीरोइक एडवेंचरस और अनफेमिलियर सब्जेक्ट्स, ये रिजेक्ट करती है हीरोइक। हीरोइक मीन टू से कि ये जो फिल्मी दुनिया है, जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, इसको ये रिजेक्ट कर रही है लिटरेरी मूवमेंट। द हार्श रियलिटी ऑफ फ्रंटियर लाइफ एंड सिविल वॉर शैटर द नेशंस आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो दुनिया ने बना रखा था, वो हार्श रियलिटी जो दुनिया का जब मुकाबला करते हैं, जो बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ सामने आती है, क्योंकि हमने तो ख्याली दुनिया बना के रखी होती है, जब बिटर रियलिटी सामने आई और सिविल वॉर हुई,
तो इसने दुनिया का जो नज़रिया है आइडियलिज्म का उसको शैटर्ड कर दिया, बिखेर कर रख दिया। रियलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए गाइस उनको देख ली हम साथ मिलके। ऑब्जेक्टिव राइटिंग अबाउट ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स इन ऑर्डिनरी सिचुएशन रियल लाइफ। फिजिकल वर्ल्ड अलोन इज ऑब्जेक्टिव। फिजिकल वर्ल्ड वो होता है जो प्रेजेंट होता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज ऑब्जेक्टिव। नॉलेज एक्वायर्ड ओनली थ्रू सेंसेस ओनली इज रियल। ये थ्योरी कहती है कि जो नॉलेज है हासिल जो भी की जाती है वो फाइव सेंसेस के थ्रू हासिल की जाती है। सेंसेस हमारे पास फाइव होती हैं, यू ऑल नो अबाउट देम। हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एक जो सेंस होती है, फर्स्ट वन इज साइट, सेकेंड वन इज हेयरिंग, थर्ड वन इज स्मेल, फोर्थ वन इज टेस्ट एंड फाइव वन इज टच। यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज। दुनिया जो है वो बेशुमार आइडियाज से भरी पड़ी है, उन पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट्स आर करेक्टराइज बाय देयर प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको कुछ करेक्टराइज करने के लिए कुछ बनाया जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ है, अब उसको एक साइकिल है, हम उसको साइज के लिहाज से करेक्टराइज करेंगे, उसके वेट के लिहाज से, उसके कलर के लिहाज से, उसकी शेप के लिहाज से। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट को जानने में मदद करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, इसका कलर क्या है, इसकी शेप क्या है, क्या तरीके से ये बनाया गया है, उसका साइज क्या है। फाइव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म के पांच बुनियादी असूल हैं, कवानीन हैं। तो आइए मिलके इनको ज़रा गौर इन पे कर लेते हैं। पहला जो है जी, फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू। फिनोमिनल की जो दुनिया है वो हकीकी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। सेंसेस जो हमने बात की कि इंसान के पास फाइव सेंसेस होती हैं, वो दरवाज़ा हैं इल्म का, विजडम का, नॉलेज का। ऑपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म। ये जो थ्योरी है, ये सारी जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिट है, मुखालिफ है किस थ्योरी के, आइडियलिज्म के। जो हम आइडियल कर लेते हैं चीज़ें, उसको ये नहीं मानती। हीरोइक वर्ड को ये नहीं मानती, एडवेंचरस वर्ड को ये नहीं मानती। ये मानती है तो हकीकी दुनिया को मानती है। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। इंसान जो है वो किसका हिस्सा है, मटीरियल वर्ल्ड का, जो चीज़ों पर डिपेंड करता है, चीज़ों के पीछे भागता है, इंसान जो है उसका एक पार्ट है। इम्फसाइजेस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये जो थेरी है इसका जो बेसिक फोकस होता है वो एक्सपेरिमेंट, यानी कि खुद तजर्बा करें, आप खुद ऑब्जर्व करें, देन आप किसी बात को माने। टाइप्स ऑफ रियलिज्म। अब हम देखते हैं कि रियलिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहली जो है वो ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म, ओनली एजुकेशन कैन ब्रिंग आउट ह्यूमन वेलफेयर इन सक्सेस। रियलिज्म की जो टाइप ह्यूमनिस्टिक रियलिज्म है वो ये कहती है कि सिर्फ तालीम, ओनली एजुकेशन कैन ब्रिंग आउट ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन की जो तरक्की है, इंसानों की, और सक्सेस है, वो ओनली ऑन एजुकेशन के ज़रिए ही अचीव हो सकती है। सेकेंड थिंग, ह्यूमनिस्टिक बिलीव दैट क्लासिकल लिटरेचर शुड बी स्टडीड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पास्ट, सो दैट सच नॉलेज कुड बी यूज फॉर द प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल लिविंग। ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो लिटरेचर है हमें हासिल करना चाहिए फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज। लिटरेचर पढ़ो ताकि आपसे, आपको उससे जो है वो इल्म हासिल हो, इंफॉर्मेशन हासिल हो ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पास्ट, फैक्ट्स की, पास्ट की, जो आपने माजी में सीखा। सो दैट सच नॉलेज कुड बी यूज फॉर द प्रिपरेशन और फॉर प्रैक्टिकल लिविंग। ये जो सारी इंफॉर्मेशन होगी आपको किस में मदद करेगी, प्रैक्टिकल लिविंग में, प्रैक्टिकल रहने में, अपनी ज़िंदगी को चलाने में, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ ये नहीं होता कि आप आइडियल कर लो चीज़ें और आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। आप सोचो कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं, मेरे पास खाना आ गया, तो वो चल के तो नहीं आएगा। आपको उसके लिए पकाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये होती है जी प्रैक्टिकल लाइफ। द स्टडी ऑफ ओल्ड लिटरेचर। ओल्ड लिटरेचर को पढ़ना,
स्पेशली ग्रीक एंड रोमन। सोशल रियलिज्म, रियलिज्म की सेकंड टाइप आइए इसको देख लेते हैं, मेथड ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस रादर देन फिलोसफी। ये बात करते हैं कि एजुकेशनल प्रैक्टिस हो, इसको प्रैक्टिस की जाए, इसकी एक्सरसाइज की जाए, फिर फिलोसफी पर डिपेंड ना की जाए, फिलोसफिकल बातें की जाएं। अटेनमेंट ऑफ रियल नॉलेज हासिल की जाए विल मेक ह्यूमन लाइफ हैप्पी, जो इंसानी जिंदगी को खुश रख सके एंड सक्सेसफुल बना सके थ्रो फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, माशरे की ज़रूरतें पूरी करते हुए। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मैन एंड थिंग्स प्रैक्टिकली ट्रैवल, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अगर इंसान का किसी से हो सकता है, लोगों से, दुनिया से, तो वो किससे हो सकता है, ट्रैवल के जरिए हो सकता है। ये जो रियलिज्म की टाइप है ये कहती है कि सोशलाइज करो अपने आप को, लोगों से मिलो ताकि आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सको उनकी पास्ट के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी प्रेजेंट के बारे में, आप उनसे जो है उनके तजर्बात से सीखो, और वो मुमकिन हो सकता है ट्रैवल के जरिए, सफ़र करने के ज़रिए। सेंस रियलिज्म, तो आइए गाइस इसको हम देख लेते हैं। सेंस रियलिज्म कंटेन्स द जर्म्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, पहली चीज़ ही इसमें जर्म्स है मॉडर्न एजुकेशन के जो आजकल चल रही है। द सेंस रियलिस्ट एम्फसाइज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ये फोकस करते हैं कि जो आपकी सेंसेस हैं उनको यूज़ करो, सिर्फ आपके पास अल्लाह ताला ने आपको ऐसे नहीं दे दी, आपको यूज़ करने के लिए दी हैं, तो उनको ट्रेन करो। जितना आप अपनी सेंसेस को ट्रेन करोगे उतना ही आप नॉलेज को अचीव कर सकोगे। तो जी ये मैसेज है सेंस रियलिज्म का। दिस मूवमेंट मे बी कॉल्ड द प्रीकर्सर ऑफ साइंटिफिक ट्रेडिंग इन एजुकेशन, इट एम्फसाइज़ेस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस व्हिच आर द गेटवे टू नॉलेज। जी ये भी वही ऊपर जो बात की जा रही है, ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, ताकि आप नॉलेज को ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। फोर, इसकी जो फोर्थ वन टाइप है साइंटिफिक रियलिज्म। साइंटिफिक रियलिज्म क्या है जी, देखिए आइए मिलकर देखते हैं इसको। इट इज़ रियली अ फिलोसफिकल थाट, ये एक फिलोसफिकल थाट है। इट कंसिडर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर चेंजेबल, ये कहती है कि जितने भी साइंसी तजर्बात हैं वो स्टक नहीं हो सकते, आप उसी पे लिमिटेड हो जाओ, अपनी थॉट को लिमिटेड कर दो, ये चेंजेबल है, इनमें वेरिएशन हो सकती है। द एंटिटीज डिस्क्राइब बाय द साइंटिफिक थ्योरी एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली एंड माइंड इंडिपेंडेंटली, दिस इज द मेटाफिजिक्स कमिटमेंट ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म। इट एक्सेप्ट द मेथड्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इन फिजिक्स। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रियलिज्म के। जब हम किसी थ्योरी को स्टडी करते हैं तो उसके हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी स्टडी करना ज़रूरी होते हैं, ताकि आपको उसके डूज एंड डोंट्स का भी इलम हो। पहला जिसका एडवांटेजेस है कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करती है। हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा कि ये हीरोइक एंड फिलोसफिकल जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करती, प्रैक्टिकल की बात करती है। सेकेंड, फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स, हर बंदे की इनफरादी नीड्स पे ये जोर देती है। थर्ड, रेवोल्यूशन इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, अपनी सेंसेस को यूज़ करने के लिए इस थ्योरी का बड़ा अमल दखल है। चेंजेस इन एजुकेशन पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टक जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को तलीम देने के जो तरीके हैं, ये थ्योरी कहती है कि ज़रा दिमाग से सोचो, हकीकत को अपनाओ और कुछ चेंजेस लेकर आओ, ताकि बच्चों को भी बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सके। इसके जी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, स्ट्रेस ऑन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड पे ये ज़्यादा ही इसका स्ट्रेस है। लैक ऑफ बिलीव इन इमेजिनेशन, प्रॉपर फुल जो है कुल्लुहुम इसका बिलीव जो है इमेजिनेशन पर नहीं है। फेल्स टू आंसर इल्यूजन एंड फॉल्टी नॉलेज, इल्यूजंस पर और जो फॉल्टी नॉलेज है उस पर भी इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। निगलेक्ट्स आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट्स को और लिटरेचर को ये जो लिटरेरी मूवमेंट है सारी का सारा जो है उसको रिजेक्ट कर देता है, निगलेक्ट कर देता है। थैंक यू सो मच लर्नर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।